नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के मकसद को लेकर आज प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में सायरन बजाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। जबलपुर में भी पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सायरन बजाकर लोगों को रोका और फिर उन्हें मास्क पहनाया। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने लोगों को मास्क पहनाकर मास्क की अहमियत को बताया। इसके साथ ही जो लोग मास्क पहनकर अपने घरों से निकले थे उन्हें गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। पुलिस का कहना है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने की जागरूकता आएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसमें देखिए, ये जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल फैल रहा है, निश्चित रूप से पिछले सप्ताह हमने अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की, दंडात्मक कार्रवाई की, परंतु उसका बहुत ज़्यादा असर हमको देखने को नहीं मिला। तो अभी आज हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, मास्क वितरण कर रहे हैं और ये हमारा समय समय पर जारी रहेगा। लोगों को हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, उसको अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने बुजुर्गों को सुरक्षित रखने की, साफ सुथरा रखने की और इससे सतर्क रहने की उसको समझ अपने आप में पैदा करना पड़ेगी और हम तभी इससे बीमारी से निजात पा पाएंगे। सर, जुर्माने की जुर्माना करके राशि तो वसूल ली जाती है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो लोगों को ही भुगतना पड़ता है, ये जरूरी सीख लोगों के अंदर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोग इससे नहीं मानते हैं तो फिर हमें दंडात्मक कार्रवाई भी करना पड़ती है, उसके लिए हमें चौराहे पर चालानी कार्रवाई करना पड़ता है। इसीलिए मेरा तो सभी से अनुरोध है कि आप नियमों का पालन करें और जो मध्य प्रदेश शासन के, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है कोरोना की, उसका पालन करें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।